कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने सांसद निधि के अलावा अपने व्यक्तिगत कोष से भी गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी है। इस दौरान सांसद बालकनाथ ने जिला प्रशासन को 1000 राशन किट उपलब्ध कराई है। इसी बीच एवन टीवी से बातचीत में उन्होंने सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने की भी जनता से अपील की। कोरोना वायरस की महामारी का दौर इसी में चल रहा है और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने एक बड़ी सहायता का यहां पर ऐलान किया है। क्या सहायता रहेगी और किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे साथ मौजूद है सांसद बाबा बालकनाथ जी। महाराज जी, इस समय महामारी का दौर चल रहा है, किस प्रकार आप इस व्यवस्था करेंगे? सबसे पहले तो इस महामारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुटता दिखानी होगी और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस बीमारी का एक ही इलाज है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए अपने घर के अंदर रहें और घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, तभी इस बीमारी का संपूर्ण नाश करते हुए अपने देश को इस बीमारी से उबारने का काम और इस बीमारी से मुक्त करने का काम हमारे देशवासी सब मिलकर इस धारणा को धारते हुए कि आने वाले जब तक हमारे प्रशासन का या हमारे प्रधानमंत्री जी का अगला आदेश न आए कि घरों से बाहर कम निकलना है, तब तक अपने घर में रहते हुए इस बीमारी को दूर करने का कार्य करें और इस बीमारी का यही एकमात्र इलाज है। और रही बात इस बीमारी के दूषित परिणामों से और इस बीमारी के संक्रमण का, जो जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व पर छाया हुआ है इसके समय पर देश में या पूरे विश्व में बहुत ही विपत्ति का समय है, आर्थिक रूप से भी और उसके साथ साथ में कार्य जो गरीब लोग हैं हमारे, जो हर व्यक्ति का कार्य प्रभावित हुआ है, इससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, लेकिन हमारे गरीब लोग जो हमारे गरीब भाई बंधु हैं उन पर हमसे भी ज़्यादा, आम नागरिक से भी ज़्यादा उन पर विपदा का इस टाइम कहर, एक तो बीमारी का डर, ऊपर से खाने पाने की व्यवस्था का डर, इसलिए सभी लोग आगे आए हैं, सरकारें भी आ गए हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी, हर व्यक्ति अपने स्तर पर कोई 101 रुपया भी दे रहा है तो कोई 11 लाख भी दे रहा है और कोई 11 करोड़ भी दे रहा है, तो सबका महत्व है और सबका योगदान समान रूप से एक भाव से है कि हमारे देश में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। इस व्यवस्था को हम अपने निजी तौर पर बाबा मस्तनाथ मठ की ओर से आज अपने अलवर के प्रशासन को हम 1000 राशन के खाद्य सामग्री की पैकेट, जिसके अंदर 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 2 किलो दाल, सरसों का तेल, मसाले आदि और आलू 2.5 से 3 किलो आलू, इसके अंदर हम पैक करके 1000 परिवारों तक कम से लगभग 10 से 11 दिन का राशन हम माननीय हमारे कलेक्टर साहब को सौंप रहे हैं। श्री बाबा बालकनाथ, जिन्होंने आह्वान किया है कि इस महामारी के जिसमें सरकार द्वारा प्रदान गाइडलाइन का पालन करें और अलवर जिले के लिए उन्होंने बड़ी सहायता प्रशासन के सहयोग से वितरण करने का ऐलान किया है। निश्चित तौर पे इस महामारी के दौर में जो सांसद की जो ऐलान किया है उसका निश्चित रूप से गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। के साथ चंद्रशेखर शर्मा। नसीराबाद में